अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और इनके यूनिट्स, स्पीड के यूनिट्स होते हैं किलोमीटर पर आवर, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, डिस्टेंस के हैं किलोमीटर्स में, और आवर्स के हम लेंगे टाइम, ओ सॉरी, टाइम के हम लेंगे आवर्स में। सो इससे रिलेटेड हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कन्वर्ट, कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स ऑफ स्पीड को। सबसे पहले है किलोमीटर्स को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स 2000 मीटर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो जब आप बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने 72 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 1000 से, और डिवाइड कर देना है 3600 से, क्योंकि आवर्स डिवाइड है नीचे वाली साइड पर है। तो आप अब इसको कैंसिल आउट कर दें और इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है, कैलकुलेटर से चेक कर लें तो 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड्स को इनटू किलोमीटर पर आवर्स में। तो वो कैसे करेंगे, आप ऑपोजिट हो जाएगा कि जो 1 मीटर है दैट इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है उधर जाके डिवाइड हो जाती है, वो हो जाती है 1/1000 किलोमीटर्स। इसी तरह 1 सेकेंड इज इक्वल टू, जो यहाँ 3600 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3600 आवर्स। इसी तरह जब आप इधर कन्वर्ट करेंगे तो मीटर्स को डिवाइड करेंगे 1000 से, और 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 36 करें तो क्या आता है, 70 मल्टीप्लाई बाय 36, 70 मल्टीप्लाई बाय 36 वो आ जाएगा 2520/10। गेन 0 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2520 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी स्पीड है। इसकी एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि आकार कवर्स 40 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर आवर। ठीक है, सो आपने स्पीड फाइंड करनी है आवर्स में। सो आपके पास सबसे पहले तो देखिए ना, आपके पास टाइम दैट इज गिवन इन 30 मिनट्स। टाइम हमारे पास क्या गिवन है, 30 मिनट्स में। सो मिनट्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं ना कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ओ सॉरी, और मिनट्स को नहीं, हम आवर्स का रिलेशन देखना था सबसे पहले। सबसे पहले हम आवर्स का रिलेशन देख लेते हैं। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अगर आपने अब 1 मिनट फाइंड करना है तो 60 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मिनट। तो आपने क्या करना है, 30 को 60 से डिवाइड कर देना है। तो अब आपका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन आवर्स, 30 डिवाइडेड बाय 60, वो आ जाएगा 0.5 आवर्स। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस वो गिवन है हमें 40 किलोमीटर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस है 40, टाइम है 0.5, तो अब वो कितना कवर कर लेगा, 40 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये कवर कर लेगा 80 किलोमीटर
पर आवर. सो हमने स्पीड फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर. सो अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. एक और फॉर्मूला है एक्चुअली, दैट इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है कि आप क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम के साथ. जैसे कभी कोई गाड़ी, जो कार है वो डिफरेंट ट्रेवल्स में ट्रेवल कर रही हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं. इसमें हो क्या रहा है, उसमें हो क्या रहा है, इफ़ अ कार कवर्स 20 मीटर्स, 25 मीटर्स एंड 45 मीटर्स इन 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स. तो पहले 20 मीटर्स कवर हो रहे हैं 7 सेकेंड्स में, दूसरे 25 मीटर्स कवर हो रहे हैं 8 सेकेंड्स में, और तीसरा जो था 45 मीटर्स कवर हो रहे हैं 10 सेकेंड्स में. तो आपने इसकी फाइंड करनी है एवरेज स्पीड. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है. टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 20 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 45 मीटर. सो ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है. 20 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 45 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस इसका आ रहा है 90 किलोमीटर्स. अब हमने फाइंड कर लेना है टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना आ रहा है, 7 सेकेंड्स प्लस 8 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 8 प्लस 10, 7 प्लस 8 आ जाएगा 15 प्लस 10, दैट इज 25 सेकेंड्स. सो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 90, और टोटल टाइम कितना था, 25. सो इसका आ जाएगा किलोमीटर्स और सेकेंड्स. कहीं उसने, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको ठीक कर लेते हैं. मिस्टेक ये हुई है कि हमने जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो तो रीड नहीं की. मिस्टेक ये हुई है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी इन 2 किलोमीटर आवर्स में. हमारे पास आ रही है सेकेंड्स में, हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है आवर्स में. तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, ट्वेंटी फाइव सेकेंड. तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है. तो जो चीज़ यहाँ मल्टी डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ डिवाइड हो जाएगी. तो ओ सॉरी, एक जीरो ज़्यादा लग, 36 1 सेकेंड्स. तो 25 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, सो दैट विल बी आर डिवाइडेड बाय 3600. मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हमें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए क्वेश्चन को. क्योंकि ये आ रहा है बहुत ही डेसिमल में वैल्यू आ रही है, इधर कोई मिस्टेक है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ. ये हो सकता है, यहाँ पे आंसर की जो रिक्वायरमेंट है That will be 1 मीटर पर सेकेंड हो, फिर ठीक है. सो हम इसको ठीक कर लिया. तो मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए तो सिंपल है कि आपके पास सब कुछ
मीटर्स में गिवन था, आपने उसको सिंपली टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. सो एवरेज, एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, मीटर्स, 90 मीटर्स. तो आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 25. 90 मीटर्स हैं और 25 सेकेंड्स हैं. तो ये अब आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 25. तो इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 3.6 मीटर पर सेकेंड. सिंपली अगर आपने इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम जैसे पहले कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, उसी तरह करेंगे. 3600 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, तो इसको हम कर सकते हैं उसी तरह. अगर मैंने इसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 3600 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम इसको 1000 के साथ. तो ये इससे कैंसिल हो गया. मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या आती है. थ्री पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 10. तो ये एक्चुअली आ जाएगा 12.96 किलोमीटर पर आवर. सो जो हमारा आंसर था 3.6, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर पर आवर में. इस तरह 3600 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया. हमने आज की लेक्चर में स्पीड की सारी कन्वर्शंस भी डिस्कस कर लिए, यूनिट्स भी डिस्कस कर लिए, क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं. सो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें.